Good morning class. This is our pathology class in which we were studied about the CSF, cerebrospinal fluid examination. Actually हम लोगों ने CSF examination का introduction अपनी last class के अंदर पढ़ लिया था कि CSF क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, उसका normal को वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसके कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. और हम इसके अंदर क्या एग्ज़ामिन करते हैं और क्यों एग्ज़ामिन करते हैं, ये चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोबियल एग्ज़ामिनेशन करते हैं. और मैंने वहाँ बोला था कि ये एग्ज़ामिनेशन, जो तीन एग्ज़ामिनेशन है, वो कैसे करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज वो नेक्स्ट क्लास है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन या ग्रॉस एग्ज़ामिनेशन. तो जैसा हमने पढ़ा था कि नॉर्मल CSF जो है वो क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है. आप जब CSF का सैंपल कलेक्ट करते हैं लंबर पंक्चर से, अपने थर्ड लंबर पंक्चर से कलेक्ट किया था ना CSF का सैंपल, CSF ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लिया, तो उस ट्यूब के साथ में एक तो डिस्टल वाटर की ट्यूब रखिए और पीछे, इन दोनों ट्यूब्स के पीछे प्लेन वाइट पेपर लगाइए और होल्ड करके आप देखिए कि CSF आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए. वाटर ट्यूब के साथ में देखेंगे तो दोनों के दोनों आपको क्लियर दिखने चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई दे रहा है, जैसे पेल येलो पे या कोई पिंक कलर दिख रहा है, तो आप सैंपल को सेंट्रीफ्यूज़ करिए 5 मिनट्स तक हाई स्पीड के ऊपर. आप सेंट्रीफ्यूज़ करिए और उसके बाद एग्जामिन करिए कि अब वो कलर अभी भी दिखाई दे रहा है या डिसअपियर हो चुका है. तो आपने थर्ड लंबर पंक्चर से LP नीडल के द्वारा जैसे CSF कलेक्ट किया, उसको CSF ट्यूब को एक प्लेन वाटर ट्यूब, डिस्टल वाटर ट्यूब के साथ में रखिए, पीछे प्लेन वाइट पेपर लगाइए और उसका कलर नोट करिए. वो क्लियर दिखाई देना चाहिए अगर वो नॉर्मल कंडीशन का CSF है तो, और अगर उसमें कोई कलर दिख रहा है तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल CSF है. एबनॉर्मल में मैंने कहा कि कलर अपन ने जब सेंट्रीफ्यूज़ किया कि अगर कोई कलर दिख रहा है तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज़ करिए, और सेंट्रीफ्यूज़ के बाद जो सुपरनेटेंट आता है उसको देखिए. जो नीचे बैठ गया उससे हमें मतलब नहीं है, जो सुपरनेटेंट आता है आप उसको क्लियर देख सकते हैं. और सुपरनेटेंट अभी भी अगर आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन को हम ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं. ज़ैंथोक्रोमिया मतलब कलर, अलग अलग कलर, चाहे वो पेल पिंक से लेकर पेल ऑरेंज या येलो कलर आपको सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट मतलब जो चीज़ ऊपर आई है. जब सेंट्रीफ्यूज़ किया, हम किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं तो उसमें भारी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और ऊपर जो लाइट पार्टिकल्स हैं या फ्लूड है वो बचता है, उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं. तो इस सुपरनेटेंट का कलर जो है वो पेल पिंक से लेकर पेल ऑरेंज या येलो दिखाई दे सकता है. इस कंडीशन को हम ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं और इसको हम ग्रेडिंग देते हैं 1 से लेकर 4 तक की. अब ये जो कलर अलग दिखाई दे रहा है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं. हो सकता है CSF के अंदर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया हो. अगर 100 mg/s से ज़्यादा अगर प्रोटीन का अमाउंट होता है CSF में, तो उसका कलर जो है वो अलग दिखाई दे रहा होता है CSF का. हमने जब अपनी लास्ट क्लास पढ़ी थी तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको नॉर्मल कंडीशंस पढ़ाई थी CSF की, कि नॉर्मल कंडीशन के ये क्रिस्टल क्लियर होता है, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी. और दूसरा, इसके अंदर हमने प्रोटीन पढ़ा था तो लगभग 70 से 150 mm प्रोटीन इसके अंदर, नहीं सॉरी वो तो प्रेशर था, हमने इसका जो प्रोटीन पढ़ा था वो था कि 20 से 50 mg/s तक इसके अंदर प्रोटीन दिखाई दे रहा होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन दोनों होते हैं. अगर ये प्रोटीन 100 mg/s से ज़्यादा हो जाता है तो ये कलर चेंज को इंडिकेट कर रहा होता है. तो प्रोटीन उसमें मे बी प्रेजेंट हो सकता है, शायद इस वजह से हमने ये इसमें चेंज आपको जो है वो दिखाई दे रहा होता है. या फिर हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक टैप हुआ होगा जिसमें क्या है कि जो RBC होती है वो टूट जाती है, और ये ट्रॉमेटिक टैप मे बी कि जो आपने निडल काम में ली थी या जो सैंपल ट्यूब आपने काम में ली है उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत डिटर्जेंट रह जाता है, अगर आपने उसको साफ़ अच्छे से नहीं किया था, डिटर्जेंट रह जाता तब भी RBC टूट जाती है. ट्रॉमेटिक टैप की वजह से भी कलर जो है उसका चेंज हो जाता है CSF सैंपल का. तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब इस तरह के आप प्रिकॉशंस लेंगे, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि कोई डिटर्जेंट वगैरह उसमें छूट जाए. इसके अलावा
कलर जो है थोड़ा बहुत येलोइश कलर हो सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है बिलीरुबी नीमिया को इंडिकेट कर रहा होता है। ऑरेंज कलर होता है वो हाइपर कैरोटीनीमिया को इंडिकेट कर रहा होता है। ब्राउन कलर मेनिंजियल मेटास्टैटिक मेलानोमा को इंडिकेट करता है। रेड से ऑरेंज कलर जो है रिफाम्पिसिन थेरेपी जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनमें दिखाई दे रहा होता है। पिंक से रेड कलर जो है वो CSF में ब्लड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। और येलो कलर तो जॉन्डिस को खैर कर ही रहा है। तो यहाँ पर बताया हुआ है बिलीरुबिनीमिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी दिखाई दे सकता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा इंट्रा सेरेब्रल या सब एरेक्नॉइड कोई हैमरेज हो गया हो तो रेड कलर दिखाई देगा। CSF अगर कंटेमिनेट हो जाता है आयोडीन वगैरह से, कोई डिसइंफेक्टेड चला गया हो स्किन पे आपने यूज़ किया होगा और तुरंत आपने प्रिक कर दिया, तब भी ऐसा हो सकता है। कैरोटीनीमिया तो मैंने आपको कंडीशन खैर अभी बताई भी थी और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि एक कैरोटीनीमिया एक बेनाइन कंडीशन है जिसमें कैरोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो कलर जो है येलो दिखाई दे रहा होता है CSF का। इसके अलावा CSF में अगर मेलानिन मौजूद होता है, कब, जब मेनिंजियल मेलानोसार्कोमा किसी पर्सन को होता है, ये एक कैंसर का ही टाइप है, तो CSF में मेलानिन भी आपको दिखाई दे रहा होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो कलर को चेंज कर देती हैं, डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये तो हुआ सबसे पहला आपने जो ग्रॉस एग्जामिनेशन किया कलर के लिए। इसके बाद अपीयरेंस के कैसा दिखाई देता है CSF, तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होता है। अब अगर वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो कैसा दिख सकता है, हो सकता है वो टर्बिड दिखाई दे या स्मोकी दिखाई दे। टर्बिड मतलब धुंधला सा, जैसे बादल बने हुए हो ऐसा लगता है, और स्मोकी में क्या है कि ऐसा जिसके आर पार आप नहीं देख पा रहे होते हो। टर्बिड या क्लाउडीनेस जो है, अगर CSF में सेल्स का नंबर बढ़ जाए, नॉर्मली हमने कहा था CSF के अंदर सेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती हैं, ऐसा हमने पढ़ा था, क्योंकि CSF में टोटल हमने सॉलिड्स पढ़े थे ना कि सेल्स। सेल्स जो थी केवल लिम्फोसाइट्स थी, और वो भी 0 से 8 लिम्फोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ही पाई जाती हैं, सदा नहीं पाई जाती। अगर सेल्स इससे ज़्यादा हैं, लगभग 400 से 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर से भी ज़्यादा अगर पाई जा रही होती हैं तो आपको CSF टर्बिड दिखाई देता है। या बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें मौजूद हैं तो भी CSF टर्बिड दिखेगा, या सेल्स और बैक्टीरिया दोनों मौजूद हैं तब भी आपको CSF टर्बिड यानी धुंधला सा मटमैला सा आपको दिखाई देगा, इसको हम क्लाउडीनेस भी कहते हैं। दूसरा अपीयरेंस में हो सकता है कि CSF आपको स्मोकी या ओपेलेसेंस दिखाई दे। इसमें सेल्स मौजूद होती हैं पर छोटी सेल, जैसे RBC या ल्यूकोसाइट्स वगैरह मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपारदर्शी बन जाता है, स्मोकी बन जाता है। तो ये हुआ अपीयरेंस। इसके बाद हमने कहा था कि नॉर्मल CSF को अगर आप रखते हैं थोड़ी समय के लिए तो उसमें किसी तरह कोई क्लॉट नहीं बनता। अगर क्लॉट बनता है या कॉग्यूलम फॉर्मेशन होता है, कब, अगर आप CSF को ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप एग्जामिन करिए, अगर आपको फाइब्रिन का क्लॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब उस सैंपल में फाइब्रिनोजन मौजूद है। तो फाइब्रिनोजन का मतलब कुछ ट्रॉमा वगैरह इंजरी वगैरह हुई होगी। और जब ये क्लॉट दिख जाए तो आप क्लॉट का नेचर भी एक बार देखिए कि वो जो क्लॉट बना है वो बहुत ही नाजुक मुलायम सा क्लॉट है या थोड़ा सा हार्ड है वो क्लॉट जो बना है, ये भी आपको देखना है। जैसे कि अगर बहुत ही नाजुक सा क्लॉट बना है तो ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है जिसमें CSF प्रोटीन बढ़ जाता है। और अगर ये, तो आप इसको फिर कैसे कंफर्म कर सकते हो कि भाई आप सैंपल का एसिड फास्ट स्टेनिंग करके देख लो। एसिड फास्ट स्टेनिंग अपन TB के लिए करते हैं, ये चीज़ आपने माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो आपको वो बैक्टीरिया दिखाई दे जाएगा अगर मौजूद है, तो वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है। और अगर थोड़ा सा हार्ड क्लॉट बन रहा है तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को, मतलब मेनिंजाइटिस के साथ में पस बन रहा है, या फिर ट्रॉमेटिक टैप हुआ होगा, या स्पाइनल ब्लॉकेज हुआ होगा, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस स्पाइनल ट्यूमर की वजह से भी ये ब्लॉकेज हो सकता है, तो कोर्स क्लॉट जो बनता है वो इसको इंडिकेट करेगा। तो ये होता है क्लॉट फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना। फिर इसके बाद हम ब्लड टिंग्ड CSF देख सकते हैं। नॉर्मल CSF में कोई ब्लड नहीं होता, पर अगर आपको ब्लड दिखाई दे रहा है तो ट्रॉमेटिक टैप को इंडिकेट करेगा।
सब एरेक्नॉइड हैमरेज भी हो सकता है, इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है, या ब्रेन का इन्फॉक्शन भी हो सकता है। इन्फॉक्शन क्या होता है? डेड एरिया दिखाई दे रहा, डेड सेल्स का एरिया दिखता है किसी पर्टिकुलर जगह, तो वो इन्फॉक्ट कहलाता है। तो CSF में ब्लड अगर मौजूद है तो ट्रॉमेटिक टैप को, सब एरेक्नॉइड हैमरेज को, या इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज या ब्रेन इन्फॉक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर ग्रॉसली ब्लडी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई वो उसमें ज़्यादा गहरा रंग आ रहा है, तो आप उसमें फिर CSF के अंदर RBCO काउंट भी कर सकते हो। तो हो सकता है 6000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा सेल्स आपको दिखाई दे। ये आपको क्यों करना है? ताकि आप ये पता लगा सकते हो कि ये ट्रॉमेटिक टैप की वजह से ब्लड आया है या सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से ब्लड आया है। तो डिफ्रेंशिएट करने के काम आ रहा होता है RBC की काउंटिंग। तो आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया CSF के अंदर? CSF के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि हमें, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिज़िकल जिसको अपन ग्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे को, हमने सबसे पहले कलर देखा था, कलर के बाद अपन ने अपीयरेंस देखी थी, अपीयरेंस के बाद क्लॉट फॉर्मेशन देखा, और ब्लड टिंग्ड CSF हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर आपका जो है वो ग्रॉस एग्जामिनेशन लगभग ख़त्म हो जाता है। एक पॉइंट और ग्रॉस एग्जामिनेशन आता है, दैट इज़ pH डिटर्मिनेशन, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है कहीं भी, आप सिर्फ उसको नोट कर लीजिए कि pH को डिटरमाइन भी फिजिकल एग्जामिनेशन के तहत किया जाता है। तो कैसे एग्जामिन करेंगे? बहुत सिंपल है, pH पेपर लीजिए, उसको उस सैंपल में डिप करिए, और वो जो कलर चेंज हुआ है उसका स्केल उस pH पेपर पे साथ में दिया हुआ रहता है, उस स्केल के साथ में आप मेज़र करके देखिए, तो आपको जो pH है वो पता चल जाएगी कि कितनी pH आ रही है। नॉर्मल मैंने आपको बताया था CSF की pH होती है 7.28 से 7.32, अगर इससे कम या इससे ज़्यादा आती है तो वो एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करेगी। तो ये आपका CSF का फिज़िकल एग्जामिनेशन ख़त्म होता है। इसके बाद दूसरा आता है माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, हमारे को करना है। माइक्रोबियल एग्जामिनेशन के लिए आप CSF सैंपल जो आपने कलेक्ट किया है उसका स्मीयर बनाइए, स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो में ये चीज़ पढ़ी होगी। उस स्मीयर की आप ग्राम स्टेनिंग कर सकते हो अगर आपको बैक्टीरियाज देखने हैं, जेडन स्टेनिंग कर सकते हो अगर आपको एसिड फास्ट बेसिलाई जैसे कि माइकोबैक्टीरियम वगैरह देखना है, तो ग्राम स्टेनिंग या जेडन स्टेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम CSF को स्टेन करने के साथ साथ में कल्चर भी कर सकते हैं, तो अपन बैक्टीरिया की काउंटिंग कर सकते हैं, TB का पता लगा सकते हैं, या फंगाई है क्या ये पता लगा सकते हैं। अब हम ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं ये कौन कौन सी बीमारियों को इंडिकेट करती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हमारे को हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड्स वगैरह होते हैं उनको एग्जामिन करना होता है, ये पता लगाने के लिए कि ये जो फ्लूड्स वगैरह हैं वो नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल। अगर वो एबनॉर्मल कंडीशन में हैं तो वो किसी ना किसी बीमारी को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर CSF में न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब पर्सन को या तो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हुआ है, या ब्रेन एब्सेस हुआ है, ब्रेन इन्फार्क्शन हुआ है, या आप बार बार लंबर पंक्चर करते रहते हैं या पर्सन आपसे करवाता रहता है तब भी न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है। अगर आपको CSF में लिम्फोसाइट बढ़े हुए दिख रहे हैं इसका मतलब पर्सन को वायरल मेनिनजाइटिस हुआ होगा, TB मेनिनजाइटिस हुआ होगा, या पैरासिटिक मेनिनजाइटिस हुआ होगा। थर्ड कंडीशन, CSF में अगर प्लाज्मा सेल बढ़ी हुई हैं तो मल्टीपल माइलोमा को इंडिकेट करेगी, TB मेनिनजाइटिस को इंडिकेट करेगा, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस को इंडिकेट करेगा। और इसके अलावा अगर CSF में आपको लिम्फोसाइट मोनोसाइट का रेशियो दिखाई दे रहा है एबनॉर्मल सा, तो वो वायरल मेनिनजाइटिस, TB मेनिनजाइटिस, फंगल मेनिनजाइटिस को इंडिकेट करता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन हमारे को बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब ये तो वो सेल्स है जो हमारी बॉडी में हमेशा पाई जाती हैं, इसके अलावा हो सकता है कोई मैलिग्नेंट सेल मौजूद हो CSF के अंदर। तो हो सकता है मे बी पर्सन को ल्यूकीमिया हुआ हो, यानी WBCA नंबर बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर को कहते हैं अपन ल्यूकीमिया।
या हो सकता है लिम्फोमा हुआ हो, लिम्फोसाइट्स का नंबर, या मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर क्या होता है कि किसी बॉडी के दूसरे पार्ट का, दूसरे ऑर्गन या दूसरे सिस्टम का कैंसर है, पर वो फैलता फैलता ब्रेन तक चला गया है, तो वो कंडीशन कहलाती है मेटास्टासिस। तो ये कैंसर मेटास्टैटिक कैंसर कहलाता। तो हो सकता है कि मेटास्टैटिक कैंसर हुआ होगा जो CSF में उसकी सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये तो सारा है आपका जो अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या माइक्रोबियल एग्जामिनेशन हम कर रहे होते हैं। मेनली ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ना। इसके बाद जो है हमारे को इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना होता है CSF का, जैसे VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट अपन करते हैं सिफिलिस के लिए, एलाइजा करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा करते हैं TB के लिए, वायरल इम्यूनोस्टेन PCR करते हैं अपन वायरल DNA के लिए। अभी आपने देखा है ना जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का की टेस्टिंग किसे की जा रही है? RT-PCR से। तो PCR वो मशीन होती है जिससे अपन जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, और उससे हमें वो ऑर्गेनिज्म कन्फर्म हो जाता है। तो जो अपने कंट्री के अंदर कोरोना एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो RT-PCR से ही किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ही स्पेसिफिक सेंसिटिव मशीन होती है जो आपको एकदम क्लियर इंडिकेशन दे देती है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। तो सिफिलिस के लिए VDRL कर सकते हो, TB के लिए एलाइजा कर सकते हो, और वायरल DNA को डिटेक्ट करने के लिए आप इम्यूनोस्टेन PCR कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जामिनेशन कर लिया, माइक्रोस्कोपिक के साथ में इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया। तो लास्ट कौन सा एग्जामिनेशन हमारा बचा? केमिकल एग्जामिनेशन, थर्ड था ना केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल में हम स्पेशली बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि बॉडी के में जब केमिकल्स की स्टडी की जा रही है वो बायोकेमिकल स्टडी कहलाती है। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए हम तीन चीज़ें देखेंगे, एक तो प्रोटीन, एक ग्लूकोज, एक क्लोराइड। CSF में तीन चीज़ें देखी जाती है, प्रोटीन, ग्लूकोज और क्लोराइड। तीनों के बारे में सुन लीजिए कि जो प्रोटीन होता है, हमने कहा भाई 15 से 45 mg/dL होता है। प्रोटीन को एग्जामिन करने के लिए बहुत सारे टेस्ट है, जैसे सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट होता है, पैंडीज टेस्ट कहलाता है, तो ये टेस्ट अपन लगा सकते हैं। ग्लूकोज को एस्टीमेट करने के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं उस टेस्ट का नाम, ग्लूकोज का जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट, अपन लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन क्लोराइड को एस्टीमेट कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन के लिए मैंने बोला कि नॉर्मल प्रोटीन 15 से 45 mg/dL पाया जाता है। अगर CSF में प्रोटीन बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है कोरोइड प्लेक्सस के अंदर और मेनिंजेस के अंदर। मेनिंजेस और कोरोइड प्लेक्सस में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी CSF के प्रोटीन के बढ़ने के साथ में। अब क्यों बढ़ जाता है CSF का प्रोटीन? हो सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ गया हो, हैमरेज की वजह से, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से, या CSF के फ्लो में कोई रुकावट आ गई हो, या इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस जब बढ़ जाता है तब भी CSF में प्रोटीन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हो सकता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हुआ होगा, या वायरल, फंगल या TB मेनिंजाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ होगा। हैमरेज में सबअरेक्नॉइड हैमरेज भी हो सकता है, इंट्रासेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, इथेनॉल अगर ज़्यादा ले लेते हैं या फिनोथायाजन अगर आप ले लेते हैं तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करती है हमारे ब्रेन में। इसके अलावा CSF फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है किसी डिसऑर्डर की वजह से, जैसे CNS ट्यूमर हो गया होगा, CNS के अंदर एप्सिस यानी पस पड़ गया होगा जिसकी वजह से CSF फ्लो रुक जाता है, या फिर इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस, इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा सही बन नहीं रहा है। किसमें होता है ऐसा? न्यूरोसिफिलिस के अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ऐसा होता है, न्यूरोसिफिलिस के अंदर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। अब ये तो सारी कंडीशन के प्रोटीन कब कहाँ कैसे बढ़ जाता है। अब प्रोटीन को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसका टेस्ट का नाम है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। कैसे टेस्ट किया जाता है भाई? इसमें क्या होता है कि अपन सैंपल में अगर सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालते हैं, सैंपल लीजिए, उसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालिए,
तो सल्फोसैलिसिलिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे कि वो जो सैंपल है वो आपका टर्बिड हो जाएगा। और टर्बिडिटी को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से या कलरीमीटर से आप नोट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टर्बिडिटी उसकी आई है। तो इसके लिए आपको कोई ख़ास मेहनत करनी नहीं है, केवल 30 ग्राम सल्फोसैलिसिलिक एसिड आप ले लीजिए, 0.5 ml का CSF लीजिए स्मॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों को जेंटली मिला लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसको थोड़ा सा इन्वर्ट और मिक्स करके आप देखिए टर्बिडिटी को, नोट करिए, और जिससे आपको अगर टर्बिडिटी दिख रही है इसका मतलब प्रोटीन मौजूद है, टर्बिडिटी नहीं दिख रही इसका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है। तो ये प्रोटीन एस्टिमेशन है। दूसरा होता है टेस्ट ग्लूकोज एस्टिमेशन का, है ना। तो CSF ग्लूकोज जो है वो ब्लड ग्लूकोज से ही डिराइव हो रही है, तो ये आइडियली CSF को ही इंडिकेट करती है। ग्लूकोज लेवल को हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज के साथ लेवल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं 4 घंटे की फास्टिंग के बाद में, तो आप आराम से अच्छे से क्लिनिकली उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो। अब ग्लूकोज की क्या खासियत है कि नॉर्मली ग्लूकोज जो है 50 से 80 mg/dL पाया जाता है एडल्ट्स में, जबकि बच्चों में 60 से 90 mg/dL पाया जाता है 10 साल तक के बच्चों में, और जो कि 60% होता है प्लाज्मा ग्लूकोज का। नॉर्मल CSF या प्लाज्मा ग्लूकोज रेशियो जो है वो 0.3 से 0.9 तक वेरी कर सकता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर CSF का ग्लूकोज 40 mg/dL से भी कम आपको दिखाई दे रहा है, यानी 2.2 mmol/L से भी कम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। जबकि अगर CSF बड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CSF में अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ग्लूकोज कम है तो वो प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि अगर CSF में ग्लूकोज कम है इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई सेल बैक्टीरिया कुछ मौजूद है जो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, तब वो ग्लूकोज ख़त्म हो गया तो वो इन्फेक्शन या फिर किसी ट्रॉमा इंजरी को इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमने कहा CSF ग्लूकोज कम किस केस में हो जाता है, मेनिनजाइटिस के केस में, ट्यूमर के केस में, हेमरेज के केस में, या अमीबायसिस के केस में कम हो सकता है। मेनिनजाइटिस हो सकता है बैक्टीरिया से हुई हो, चाहे फंगाई, चाहे टीबी, चाहे सिफिलिटिक मेनिनजाइटिस हुई हो, ये ग्लूकोज को कम कर देती है CSF में मौजूद। दूसरा ट्यूमर हो जाता है अगर मेनिनजेस के अंदर, तब भी ग्लूकोज कम, क्योंकि वो ट्यूमर की जो सेल्स होते हैं ग्लूकोज को खा जाती हैं, सारा सारा ले लेती है, काम यूटिलाइज कर लेती है, ग्लूकोज कम हो जाता है। तीसरा सब एरेक्नॉइड हैमरेज हो जाए तब भी ग्लूकोज कम, या सेरेब्रल अमीबायासिस, सेरेब्रा में अमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, है ना, एक बैटल अमीबायासिस भी होता है, तो उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो CSF का जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है। फिर हमने नोट करके लिखा हुआ है कि डिक्रीज CSF ग्लूकोज जो ऊपर वाली कंडीशंस में हमने बोला है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो बैक्टीरिया का चल रहा होता है, मतलब बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, जैसे मेनिनजाइटिस हो गया अगर बैक्टीरिया की वजह से, या ब्रेन टिश्यू ल्यूकोसाइट्स वगैरह की वजह से जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, उसका ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, जिससे कि वो CSF में कम हो गया ग्लूकोज, इस कंडीशन को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये ग्लूकोज का एस्टिमेशन, ये तो ग्लूकोज किस कंडीशन में कम होता है, अब एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट जो ग्लूकोज के लिए मैंने आपको कहा कि बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको 0.5 ml बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट लेना है, इसमें 4.5 ml आप डिस्टिल वाटर मिलाइए, तो ये 1:10 का रेशियो में ये डाइल्यूशन होना चाहिए आपका। फिर 0.5 ml CSF का सैंपल अबाव सॉल्यूशन में आप ले लीजिए, इसको 2 मिनट के लिए बॉईल करिए फ्लेम के ऊपर, और फिर ठंडा होने दीजिए, और फिर कलर चेंज को नोट करिए। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ग्लूकोज या तो बहुत कम है या ग्लूकोज उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर कलर चेंज होकर टर्बिड ग्रीन येलो कलर हो जाता है तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है CSF में, या फिर कलर चेंज ब्लू से लेकर पर्पल तक हो सकता है बायोट रिएक्शन की वजह से, तो वो CSF को बढ़ा हुआ, इंक्रीज CSF को इंडिकेट करता है। तो ये ग्लूकोज का टेस्ट है कि इस तरह से आप क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली ग्लूकोज को जो है वो चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा आइडियल मेथड कहलाता है ग्लूकोज को एस्टिमेट करने का।
इसके अलावा अपन हालांकि क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कोई मॉडिफाइड फॉलिन टेस्ट, एक मॉडिफाइड फॉलिन व्यू मेथड कहलाता है, जिसके अंदर अपन क्वालिटी इंडिकेट वो कर रहा होता है ग्लूकोज की, वो भी अपन कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज टेस्ट CSF का ख़त्म। लास्ट हमें क्लोराइड एस्टिमेट करना है। तो CSF में क्लोराइड लेवल जो है वो सीरम के कंपैरिजन में हायर पाया जाता है। नॉर्मल इसका लेवल होता है 115 से लेकर 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या 650-750 mg पर DL CSF पाया जा रहा होता है। इसके लिए अपन को अब क्लोराइड एस्टिमेशन करना होता है CSF एग्जामिनेशन जब अपन करते हैं, क्योंकि ये अच्छा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो क्लोराइड टेस्ट अपन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, या CSF में जो क्लोराइड हमने कहा काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में क्लोराइड पाया जाता है, तो ये क्लोराइड कम हो जाता है, इसके लिए अपन टेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये क्लोराइड कम क्यों हो जाता है। तो देखिए CSF का क्लोराइड जो है वो कम हो जाता है अगर CSF में बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस या ट्यूबरक्यूलर मेनिनजाइटिस हुआ है तो। दूसरा, अगर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है किसी पर्सन के अंदर, उसमें सीरम क्लोराइड लेवल कम हो गया है, लंबे समय तक पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग होने से क्या होता है, हमारे अंदर से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लग जाता है, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी क्लोराइड का जो है वो लेवल, क्लोराइड भी क्या है, आयन ही तो है, एक इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, तो उसका लेवल कम हो जाता है। CSF क्लोराइड एस्टिमेशन बिल्कुल सीरम क्लोराइड के जैसे ही किया जाता है, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या मैनुअली अपन इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। बाकी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जब हम ब्लड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, वरना सीधा इंस्ट्रूमेंट्स अपन इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्लोराइड एस्टिमेशन का टॉपिक भी कम्प्लीट, और इसके साथ ही आपका CSF एग्जामिनेशन भी ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके CR को अपना ईमेल आईडी मेल कर दूंगी, आप उनसे उनको आप अपना क्वेश्चंस भेज दीजिए, आपके CR जो है मुझे मेल कर देंगे, और मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, आपकी क्वारीज को सॉल्व करूँगी। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।